नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है, ऐसे में अब इंदौर की स्वच्छता को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां कांग्रेस ने इंदौर की स्वच्छता को लेकर सवाल खड़े किए, तो भाजपा ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, सियासत में इंदौर की स्वच्छता को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, क्या कुछ जानकारी है इसकी? देखिए, लोकसभा चुनाव की हलचल तेज है और पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जीत के लिए पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही है। उसी कड़ी में आज कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं वो इंदौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की नामांकन रैली में शिरकत की थी। इस दौरान कांग्रेस के कद्दावर जो नेता हैं वो मंच पर मौजूद थे, जहाँ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, उमंग सिंगार के समेत पूरी इंदौर कांग्रेस जो है वो अपना दम दिखाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन उसी बीच जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक बड़ा बयान दे दिया और इस बयान के बाद में इंदौर की स्वच्छता को लेकर विवाद खड़ा हो गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि इंदौर स्वच्छता में नंबर वन है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसके नंबर कैसे आते हैं ये आपको अच्छे से पता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये विवाद इंदौर की सियासत में शुरू हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको लपकने में देरी नहीं की और कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं उमंग सिंगार, उनकी ओर से जब ये बयान दिया गया तो कहीं ना कहीं सियासत में इसको लेकर हलचल तेज हो गई और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से बयानबाजी का जो दौर है वो भी शुरू हो गया। और जब कांग्रेस के दिग्गज नेता और तमाम कांग्रेसी एक मंच पर मौजूद थे तो उन्होंने कई पुराने वाकया को भी लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इंदौर की स्वच्छता को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तमाम इंदौर के नगर निगम कर्मचारियों के अलावा ये सवाल खड़े किए, कहीं ना कहीं सियासत में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। उमंग सिंगार ने ये हमला बोलते हुए कहा कि जो घोटाले हैं पुराने, उसको लेकर भी इंदौर में लगातार चर्चाएं होती रही है और अभी वर्तमान में 80 करोड़ के घोटाले की भी बात सामने आई है। तो कहीं ना कहीं उमंग सिंगार का ये तिलक तेवर जो है अब इंदौर की सियासत में हलचल पैदा करता हुआ नजर आ रहा है और उमंग सिंगार की ओर से दिए गए बयान इंदौर की सियासत में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। जी संदीप, भाजपा इस पर, इस वाक्य पर किस तरीके से पलटवार करती नजर आ रही है? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वो लगातार मध्य प्रदेश में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बयानों को तुरंत लपक लेती है और उसी कड़ी की अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके से उमंग सिंगार ने ये बयान दिया है, कहीं ना कहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने देरी नहीं की और तुरंत ही इंदौर महापौर ने इसको लपकते हुए इसको तमाम स्वच्छता कर्मियों का अपमान बता दिया और उन्होंने कहा है कि जो उमंग सिंगार है उनको तमाम इंदौर वासियों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बयान उमंग सिंगार ने दिया है कहीं ना कहीं अपमानजनक है, ये बात इंदौर महापौर ने कही है। वहीं अगर नरेंद्र सलूजा की हम बात करें, जो भाजपा के प्रवक्ता है, तो उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी और उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा है कि इंदौर स्वच्छता में नंबर वन है और 7 बार इसने खिताब जीता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता उमंग सिंगार की ओर से दिए गए इस बयान का कोई मतलब नहीं निकल जाता और उन्होंने इस बयान को देकर तमाम स्वच्छता कर्मी और इंदौर वासियों का अपमान किया है। तो कहीं ना कहीं उमंग सिंगार को इंदौर वासियों से माफी मांगना चाहिए, ये नरेंद्र सलूजा ने कहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाती हुई नजर आएगी और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने यह बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने इसे तुरंत लपक लिया और राजनीति करने का जब नंबर आया है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही अपने नंबर बढ़ाने की ओर इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती हुई हमको नजर आएगी। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बयान के बाद इंदौर की जो सियासत है वो अब नया रंग दिखाती हुई हमको नजर आएगी और इस बयान के बाद में कहीं ना कहीं इंदौर की स्वच्छता को लेकर भी सियासत जो है वो शुरू हो गई। अब राजनीति की तमाम हलचलों के बीच इंदौर की स्वच्छता पर ये राजनीति कहां जाकर थमती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, क्या लगता है संदीप, कांग्रेस को
बयान देना कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं, तो कितना मुश्किल होगा कांग्रेसियों के लिए? देखिए, निश्चित ही अगर कांग्रेस की बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद में लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला है वो जारी है। इंदौर से भी कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं ने जब से पार्टी छोड़ी है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के नेताओं का मनोबल गिरा हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर ले संजय शुक्ला की, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, या देपालपुर से आने वाले विशाल पटेल की बात कर लेते हैं। ये कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं और जब इन्होंने पार्टी से अलविदा किया तो कहीं ना कहीं पार्टी के तमाम इंदौरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल धराशायी होता हुआ हमको नजर आया। उसके बाद में अगर इस बयान की बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीति में ये बयान कांग्रेस को आने वाले लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इंदौर की जो स्वच्छता है उसका जो चर्चाएं हैं वो पूरे देश में होती रहती है, और अब इंदौर जो है वो स्वच्छता के बाद में ट्रैफिक में नंबर वन बनने की ओर अग्रसर है। महिलाओं पर अत्याचार को रोकने में कैसे कारगर और आयोजन अलग अलग किए जाए इसको लेकर भी इंदौर लगातार सतत प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। और उसी बीच जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की गहमागहमी इन दिनों देखने को मिल रही है, ऐसे में उमंग सिंगार का ये बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों को लपकने में देरी नहीं करती, ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी इस बयान को अपने पाले में अपने नंबर बढ़ाने के लिए काम करती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने ये बयान दिया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक जरूर लोकसभा चुनाव में साबित होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की ओर से दिए गए इस बयान के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पलटवार किया है, कांग्रेस के दिग्गज नेता इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, और लोकसभा चुनाव में किसको इसका भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। जी, बहरहाल लोकसभा चुनाव की सियासत के बीच अब स्वच्छता, इंदौर की स्वच्छता को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि कांग्रेसियों को कितनी भारी पड़ सकती है और ये सियासत कहां जाकर खत्म होती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।